नीट नर्सिंग पर हल्ला बोल। जी हाँ, विपक्ष अब पूरी तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नीट पेपर लीक के मुद्दे और नर्सिंग घोटाले को लेकर अग्निवीर योजना समेत अन्य विषयों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही हालांकि रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, साथ ही पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई नेता इस दौरान घायल हो गए। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज हम पर बल प्रयोग, पानी की बौछारे और आंसू गैस का इस्तेमाल करके जो संदेश दिया गया है वो ये है कि आप सभी ने भाजपा को वोट देने के बाद भी आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट दिया है। हमारा विरोध जारी रहेगा, हम कल FIR दर्ज कराएंगे। सब आपने देखा है, आपके सामने ही है, जो जो गिरफ्तार हुए वो गई है, अभी उनको गिरफ्तारी करी, चूंकि यहाँ पे प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी और पूर्व से घोषित कार्यक्रम था, पुलिस ने इन्हें यही रेड क्रॉस के पास रोका था। रोकने के लिए आवश्यक पहले पानी का बौछार भी किया गया, फिर भी नहीं माने तो फिर टीयर गैस का प्रयोग किया गया। न गंभीर घायल है न सामान्य घायल, अगर वो मुचलका भरेंगे तो देन दे विल बी रिलीज्ड। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठी चार्ज का, आंसू गैस का, ये प्रदेशवासियों आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोट देंगे, भविष्य के गले को घोट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी RSS के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो, प्रदेशवासियों आप इनको वोट दो या आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, कितने देर ये प्रदर्शन चला और जिस कोशिश को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था उसमें कितने कामयाब हो पाए हैं NSUI और कांग्रेस के नेता? लेकिन इस बीच हमारे साथ, चूंकि आपको मैं बीच में रोक रहा हूं दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे। डॉक्टर राम पांडे, आज NSUI और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कितना सफल ये प्रदर्शन रहा है और जो बात आप रखना चाह रहे थे क्या वो रख पाए हैं? जी बिल्कुल रख दी है और हमने तो शुरुआत ही संसद से की थी कि इस पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन संसद में मना कर दिया गया, युवाओं के भविष्य की सरकार को कोई चिंता नहीं है, वहां चर्चा नहीं होने दी। उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट तो कोई घोटाला है ही नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा घोटाला है, 720 में से 720 लोगों के नंबर आ रहे हैं, जो एक दो के आते थे करीब 67 लोगों के आए, एक ही कॉलेज से टॉपर्स निकल रहे हैं, तो ये नीट घोटाला सरकार ने बाद में माना और इसके लिए हम शुरू से आवाज उठा रहे हैं। ऐसे 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं, बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार बच्चे लीक पेपर लीक होता है, तो जो योग्य लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी, NSUI, जीतू पटवारी जी, पूरे देश में, प्रदेश में कांग्रेस युवाओं के साथ है, उनके भविष्य के साथ है और ये हमेशा इस बात को आगे बढ़ाती रहेगी जब तक ये पेपर लीक होने की घटनाएं बंद ना हो जाए। जो रोजगार के लिए भी, कभी नौकरी के लिए भी यदि जगह निकलती है तो उन तक के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के जो कॉलेज होते हैं उसी में से सारे टॉपर्स निकलते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कॉलेज था, उसी से सारे टॉपर्स निकले थे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसी से सारे कृषि विस्तार अधिकारी बन जाते हैं। तो पूरा काम जो देखा जाए तो युवाओं के भविष्य पर उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है और ये जब देश की जो युवा पीढ़ी है
इसी के साथ इस तरह से किया जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है, योग्यता का सवाल है, न्याय का सवाल है। तो कांग्रेस से उठा रही है, जीतू पटवारी जी को आप 50 बार गिरफ्तार कर लीजिए, वो इस बात को उठाते रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह का ये प्रदर्शन हुआ इसको सफल बता रहे हैं डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता और तमाम कांग्रेस के नेता भी कि वो कोशिश जो कर रहे थे वो युवाओं के लिए कर रहे थे, प्रदेश के भविष्य के लिए कर रहे थे।